आप इस वेंडिंग मशीन को देखो, इसमें 300 कॉइन में सुपर रिवाइवल कार्ड है जो कि नॉर्मल वेंडिंग मशीन में 600 कॉइन्स की होती है। और इस वेंडिंग मशीन में हॉरिज लाइन भी है, जैमर भी है, लेवल 4 का वेस्ट भी है, AWM भी है, ग्रोजा भी है, ड्रैगनो भी है, और ऊपर से यहाँ पे M1887 भी है जो कि नॉर्मल वेंडिंग मशीन में नहीं होती है। तो भाई ये वेंडिंग मशीन खास क्यों है? इसी वेंडिंग मशीन में जो अपग्रेडिंग गन चिप्स होते हैं ना, जो कि 400 FF कॉइन के मिलते हैं, वो इस वेंडिंग मशीन में सिर्फ 100 कॉइन के मिलते हैं। इसे कहते हैं डिस्काउंटेड वेंडिंग मशीन। और हमारे फुल मैप गेम में ये आते ही रहता है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा? आप अपने गेम में इस वेंडिंग मशीन को ला कैसे सकते हो? और क्या आपको पता है कि हमारे फ्री फायर गेम को इंडिया में बैन हुए 1.5 साल हो चुका है? इस पिछले 1.5 साल में बहुत बड़ा रूमर ये फैला है, गरेना फ्री फायर गेम को पुराने प्लेयर छोड़ के जा रहे हैं, और गरेना फ्री फायर डेड हो रहा है, इसमें नए नए प्लेयर्स नहीं आ रहे। लेकिन अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि नए प्लेयर्स नहीं आ रहे हैं, भाई ये बहुत ज्यादा ही गलत हो। भाई फ्री फायर में पहले मुकाबले और ज्यादा प्लेयर्स आ रहे हैं। ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, ये मैं आज की वीडियो में आपको प्रूव करके भी दिखाऊंगा। और एक और क्वेश्चन बहुत बड़ा ये आता है कि अगर प्लेयर्स बढ़ रहे हैं तो फ्री फायर के जो यूट्यूबर्स हैं उनका चैनल धीरे धीरे करके डेड क्यों हो रहा है, धीरे धीरे करके व्यूज कम क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे मेरे पास एक बहुत ही लॉजिकल रीजन है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इस वीडियो को जरूर से पूरा एंड तक देखना। आज की वीडियो में ऐसी कमाल की चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा, इसलिए तो आज के वीडियो का टॉपिक का नाम है थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर नंबर 5। गाइस क्या आपको पता है जो होमर कैरेक्टर है ना, ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक कैरेक्टर है। अब अगर आपने होमर की एबिलिटी कभी यूज की होगी तो आपको पता होगा, लेकिन होमर यूज करने के बाद कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि होमर का ड्रोन हमारे सर के ऊपर घूम रहा होता है, बंदे पे अटैक ही नहीं करता है। बहुत बार तो हमेशा ऐसा ही होते रहता है यार कि हम जिस बंदे को चाहते हैं कि होमर की एबिलिटी इस बंदे को टारगेट करे, उसको छोड़े किसी और बंदे को टारगेट कर लेता है। वेल भाई ऐसा क्यों होता है? वेल होमर का जो ड्रोन है वो खुद से कुछ नहीं करता, आपका कैरेक्टर क्या कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। मैं आपको होमर के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जैसे आप होमर की एबिलिटी यूज करेंगे, उसका ड्रोन आपके सर के ऊपर आ जाएगा, तो आपका कैरेक्टर है वो किस तरफ देख रहा है और उस तरफ क्या कोई बंदा है? अगर हाँ, तो आपका जो होमर वाला ड्रोन है वो सीधा उसी बंदे को लगेगा जिस तरफ आपके कैरेक्टर का फेस होगा। अभी चीज के बारे में बहुत कम लोगों ने नोटिस किया होगा, जब आप भीड़ भड़ाके में पूरी स्क्वाड आपके ऊपर रश कर रही है तो उस टाइम पे अगर होमर यूज कर रहे हो और आप चाहते हो कि भाई इसी बंदे को मेरा होमर मारे, तो आपका कैरेक्टर का फेस उसके तरफ ही होना चाहिए, वरना आपका जो होमर का ड्रोन है वो जाके किसी को भी लग जाएगा। वेल आप लोगों के होमर के बारे में ये इंटरेस्टिंग चीज पता थी, ये मुझे कमेंट करके जरूर से बताना। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर नंबर 4। गाइस अगर हम गेम के सेंसिटिविटी वाला ऑप्शन खोलते हैं तो वहां पे जनरल सेंसिटिविटी वाली ऑप्शन आ जाती है, रेड डॉट वाली आ जाती है, 2x वाली आ जाती है, 4x वाली आ जाती है, स्नैपर वाली आ जाती है, और फ्री लुक वाली भी आ जाती है। तो सपोज अगर मुझे स्नैपर का जो सेंसिटिविटी है उसको कम ज्यादा करना है तो मैं यहां से कर सकता हूं, लेकिन हमारे गेम में एक स्कोप है जिसका नाम है थर्मल स्कोप, उसकी सेंसिटिविटी को अगर हमको कम ज्यादा करना है तो हम कहां से करेंगे, क्योंकि यहां पे थर्मल स्कोप का तो ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है। इसी को अच्छे समझने के लिए मैं थोड़ा रिसर्च किया, और रिसर्च के अकॉर्डिंग मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज पता चली। थर्मल स्कोप और 4x होता है ना, दोनों सेम ही जूम करते हैं। मतलब आप 2x को देखो कितना थोड़ा सा ही जूम कर रहा है, वैसे ही वहां पे 4x को देखो और थर्मल स्कोप को देखो, दोनों का जूम करने का पावर है बिल्कुल सेम ही है। और यहाँ पे बैक टू बैक आप ये भी देख सकते हो कि थर्मल स्कोप और 4x स्कोप का जो जूम करने का पावर है बिल्कुल सेम ही है। मुझे ऐसा लगा कि 4x को अगर हम कम ज्यादा करेंगे तो यार थर्मल स्कोप का सेंसिटिविटी भी अपने आप मैनेज हो जाएगा, तो फिर मैं वैसा ही करता हूँ, 4x की सेंसिटिविटी को बिल्कुल ही जीरो कर देता हूँ। अब यहाँ पे 4x से आजू बाजू करता हूँ और मैंने कितना आजू बाजू कर रहा है ये आप यहाँ पे देखते हो, टैप टैप हो रहा है, तो यहाँ पे देखो मैं कितना आजू बाजू कर रहा हूँ, कितना घूम रहा है, वही मैं थर्मल स्कोप को आजू बाजू करता हूँ तो भाई बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहा है, और मैं कोई चीटिंग नहीं कर रहा हूँ, आप हमें प्रूफ दे सकते हो, तो मैं टैप टैप कर रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। तो सेंसिटिविटी के मामले में अगर हम 4x को कमजोर करेंगे तो थर्मल स्कोप नहीं होगा, ये तो मुझे समझ आ गया था। फिर मैंने यही सेम चीज जनरल के साथ ट्राई की, तो जनरल में भी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन फिर मैंने इस चीज को ट्राई किया रेड डॉट में। अब रेड डॉट किस चीज की सेंसिटिविटी है, आप काफी लोगों को लगता है ये मेरा कैरेक्टर खड़ा है सामने में रेड रेड आ रहा है ये रेड डॉट है, नहीं भाई ये रेड डॉट नहीं है। आप कोई ऐसी गन यूज करते हो जिसमें स्कोप लगाया जा सकता है लेकिन उसमें कोई भी स्कोप नहीं होती है और आप जूम करते हो कुछ इस टाइप का दिखता है, इसे बोलते हैं रेड डॉट। तो जब मैंने रेड डॉट के सेंसी को कमजोर किया तो हाँ फाइनली थर्मल स्कोप के सेंसिटिविटी में फर्क पड़ा, मैं थर्मल स्कोप को हरा रहा हूं तो बहुत धीरे धीरे हल रहा है। मतलब थर्मल स्कोप की सेंसिटिविटी अगर आपको सेट करना है तो वो रेड डॉट में होगा। थिंग्स यू डोंट नो अबाउट फ्री फायर नंबर 3। आखिर फ्री फायर के यूट्यूबर्स को व्यूज क्यों नहीं आ रहे हैं? आखिर फ्री फायर के यूट्यूबर्स का चैनल धीरे धीरे करके डाउन और डेड क्यों हो रहा है? जबकि मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया कि भाई फ्री फायर में ऑडियंस कम तो नहीं हो रही है, उल्टा नए नए ऑडियंस बढ़ते जा रहे हैं, और जितनी नई ऑडियंस बढ़ेगी उतना यूट्यूब में यूट्यूबर्स को फायदा होगा क्योंकि नए नए ऑडियंस यूट्यूब काफी ज्यादा देखती है। पहले तो मैं आपको ये प्रूफ कर देता हूँ, मुझे पता कैसे चला कि भाई नई ऑडियंस और ज्यादा बढ़ रही है। अगर आपको भी जानना है तो आपको सिंपली नया फ्री फायर का अकाउंट बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे गेस्ट अकाउंट बनाया है, एंड ये गेस्ट अकाउंट का डिजिट है टोटल 10 डिजिट, मतलब ये जो UID है मेरी वो 10 डिजिट की है। सबसे पहला वाला पार्ट है, पहला वाला डिजिट वो 7 है, लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कुछ टाइम पहले जो 7 डिजिट है ये 6 डिजिट हुआ करता था, बहुत पहले एक नया अकाउंट बनाया था। आप बोल रहे हो कि भाई इसमें बड़ी बात क्या है, काफी सारे लोगों के 1 होते हैं, 9 भी होते हैं, ऐसा क्या है इसमें? इस UID का जो डिजिट है वो 10 डिजिट है, आप
पीछे 10 डिजिट होगा। लेकिन मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने एक साल पहले फ्री फायर अकाउंट बनाया तो आपको जो पहला डिजिट है वो 7 नहीं होगा, वो पक्का 1 या फिर 2 होगा। फॉर एग्जांपल ये जो अभी मेरे पास वी बैच है, ये अकाउंट 68 लेवल वाला, ये मेरा अकाउंट 2 साल पहले क्रिएट हुआ था। इसकी जो यूआईडी है ये 1 से स्टार्ट हो रही है। और यही मेरा एक अकाउंट है पुराना वी बैच वाला, जिसकी जो यूआईडी है वो 6 डिजिट से स्टार्ट हो रही है। लेकिन ये जो मेरा वी बैच वाला अकाउंट है ये 5 साल पहले बना था। उस हिसाब से तो भाई मेरा वी बैच अकाउंट पुराना वाला वो नया अकाउंट हो गया। नहीं, मेरा पुराना वाला अकाउंट है उसमें 9 डिजिट है, और जो मेरा नया वाला अकाउंट है उस यूआईडी में 10 डिजिट है। नए अकाउंट बनते हैं आज के टाइम पे वो 10 डिजिट के होते हैं। वैसे ही फॉर एग्जांपल आप राइस्टर को ले लो, उसकी जो यूआईडी है वो 8 डिजिट की है, क्योंकि उसका अकाउंट बहुत ही पुराना है। और शायद बिंजेट गेमिंग का भी जो यूआईडी है वो भी 8 डिजिट का ही है। ये हमारे इंडिया के सबसे पहले ग्लोबल प्लेयर थे, जिन्होंने रैंक सीजन आते ही इंडिया में सबसे पहले ग्रैंड मास्टर किया था। आपको ये तो पता चल गया जब हम फ्री फायर का नया अकाउंट बनाएंगे तो यूआईडी 10 डिजिट की होगी और पहला डिजिट होगा वो 7 होगा। लेकिन अब इसी पर एक या डेढ़ महीने बाद देखना, जो पहला डिजिट रहेगा वो 8 डिजिट का हो जाएगा। इससे क्या पता चलता है कि भाई फ्री फायर में प्लेयर्स बढ़ रहे हैं। अभी के टाइम पे लाखों करोड़ों जब नया अकाउंट बनेंगे ना, तब जाके 7 डिजिट 8 डिजिट में कन्वर्ट होगा, जब नया फ्री फायर अकाउंट कोई बनाएगा तो। मतलब सोचो भाई कितने सारे लोग नया अकाउंट बना रहे, कितने सारे लोग नए प्लेयर आ रहे हैं। भाई नए प्लेयर आ रहे हैं तो भाई हमारे यूट्यूबर्स के व्यूज डाउन क्यों हो रहे हैं? यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट बताने वाला हूँ आप लोगों को, जिससे काफी सारे लोगों को मिर्ची भी लगने वाली है और काफी सारे लोग मुझे बोलेंगे क्या बेवकूफ वाली बातें कर रहा है। एक होता है यूट्यूब का एल्गोरिदम, और अगर कोई बंदा यूट्यूब के एल्गोरिदम को समझ लेता है, उसे हैक कर लेता है, हैक करने का मतलब है उसने एल्गोरिदम को बहुत अच्छे से समझ लिया। जिस बंदे ने यूट्यूब का एल्गोरिदम बहुत अच्छे से समझ लिया वो यूट्यूब में भाई करोड़ों में व्यूज लाता है। फॉर एग्जांपल मिस्टर बीस्ट, मिस्टर बीस्ट क्या ही कंटेंट बनाता है, वैसे कंटेंट फुकरा इंसान भी तो बनाता है, लेकिन मिस्टर बीस्ट और फुकरा इंसान के व्यूज का कंपैरिजन देखो। अब काफी सारे लोग कहेंगे मिस्टर बीस्ट को वर्ल्ड वाइड लोग देखते हैं और फुकरा इंसान को सिर्फ इंडिया के लोग देखते हैं। फिर भी यार इंडिया में ऑडियंस कम है क्या? फुकरा इंसान को हर वीडियो में मिनिमम 15 से 18 मिलियन व्यूज तो आने ही चाहिए। अब यहाँ पे एक बात ये आती है कि फुकरा इंसान को वो चीज नहीं पता जो कि मिस्टर बीस्ट को पता है। मुझे लग रहा है आप काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए, जल्दी से मैं बात करता हूँ। फ्री फायर गेम है बैन, और यूट्यूब को ही पता है, पूरे वर्ल्ड को पता है कि इंडिया में फ्री फायर बैन है। एक्चुअली यूट्यूब को ऐसा लग रहा है कि बैन गेम के वीडियोस कौन ही देखेगा, तो इसलिए जानबूझ के फ्री फायर यूट्यूबर्स के जो रिकमेंडेशन है और रीच है उसको कम कर दिया यूट्यूब। अब आप सोच रहे हो भाई यूट्यूब ऐसा क्यों करेगा? अरे भाई यूट्यूब अपना घाटा क्यों करवाएगा? पूरा फिलहाल यही लग रहा है कि फ्री फायर के वीडियोस में लोगों को इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि गेम बैन है। क्यों ना फ्री फायर वीडियो रिकमेंड करने के बजाय ऑडियंस को हम ऐसा कोई कंटेंट रिकमेंड करें जो कि ऑडियंस देखे, और ऑडियंस देखेगी तो यूट्यूब को फायदा होगा। मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग यूट्यूब का एकदम कुछ इस टाइप से वर्क कर रहा है, इसलिए बहुत कम ही यूट्यूबर्स है जिनको ऐसी कुछ चीजें पता है जो कि बाकी यूट्यूबर्स को नहीं पता। इसलिए जिसको पता है वो अच्छे व्यूज ला रहा है, जिसको नहीं पता उसके व्यूज नहीं आ रहे हैं। सो सिंपल, लेकिन बहुत ज्यादा क्रिटिकल और बहुत ज्यादा ही अनोइंग था। थिंग्स टू नोट अबाउट फ्री फायर नंबर 2, अपने गेम में एक आइटम है जिसका नाम है जैमर। अब गाइस अभी के टाइम में काफी सारे लोगों को तो यही नहीं पता कि जैमर का एक्चुअली यूज क्या होता है गेम के अंदर। बहुत सारे लोग जैमर को देखते हैं और सोचते हैं भाई इसका कुछ काम ही नहीं, मैं इसको लूंगा ही नहीं। लेकिन भाई जैमर का काम क्या है समझो तो पहले। ऐसा कोई भी जो आइटम होता है जो कि आप लोगों को स्कैन करता है, लाइक स्कैनर, या फिर कोई ऐसा स्किल लाइक क्लू की स्किल है कि आप लोगों को रिवील कर देती है। जब भी कोई क्लू की एबिलिटी यूज करेगा और आप उसके आसपास हो तो मैप में उनके टीममेट को पता चलेगा कि सामने एनिमी है, तो जैमर स्कैनिंग एबिलिटी को जैम कर देता है। अगर मेरे पास जैमर है तो मैं उन लोगों को दिखूंगा ही नहीं, मेरे टीममेट दिख जाएंगे लेकिन मैं नहीं दिखूंगा। तो फुल मैप गेम के अंदर जैमर बहुत ज्यादा ही काम कर रहा है। आपको तो पता ही है बंदे से फाइट करें अचानक साला ऊपर में यूएवी आ जाता है, हमारी लोकेशन रिवील कर देता है, बट अगर आपके पास जैमर होगा तो आपकी लोकेशन रिवील नहीं होगी। थिंग्स टू नोट अबाउट फ्री फायर नंबर 1, कि आप ऐसे वेंडिंग मशीन कैसे ला सकते हो। सिर्फ यही नहीं, आपके गेम में कुछ ऐसा सिस्टम भी आएगा जिससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि जो आखिरी वाला सेफ जोन है वो कहाँ पे बनने वाला है। यहाँ पे आप देखते हो जोन कितना बड़ा है लेकिन फिर भी हम लोगों को आखिरी वाला जोन बता रहा है कि आखिरी वाला जोन बनने कहाँ पे वाला है। यही नहीं, एक और चीज सुनिए, अपने गेम के अंदर एक और चीज है जिस वजह से हमारा जो रिवाइवल पॉइंट होता है वो आखिरी जोन तक रहेगा। अभी क्या होता है लास्ट सेकंड जोन में जितने भी रिवाइवल पॉइंट होते हैं वो सब हट जाते हैं, हमारे मैप से गायब हो जाते हैं, लेकिन एक ऐसा चीज भी है जिससे आखिरी जोन तक रिवॉल्व पॉइंट रहेगा। तो ये सब गेम के अंदर हो कैसे रहा है? हम लोगों को तो वेंडिंग मशीन से मतलब है रिवॉल्व पॉइंट और बाकी सब गया तेल लेने। तो जब भी आप गेम को शुरू करोगे और आप मैप को खोलना तो यहाँ पे आप लोगों को क्वेस्ट देखने मिलेगा, ये बेसिकली मिशन होते हैं, और अगर आप मिशन को कम्प्लीट करोगे तो आपके नीचे रिवॉर्ड देखने मिलेगा, और ये सिर्फ आपके लिए नहीं होता है, मैप में जितने बंदे सबके लिए होता है। यहाँ पे हम लोगों को मिशन देखने मिला है, हमको 10 प्लेयर को एलिमिनेट करना है 50 मीटर जो आगे रहेगा, और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, मैप में जितने बंदे है ना सबके लिए, चाहे वो हमारे एनिमी हो या फिर टीममेट। अगर हमारे मैप में 10 एनिमी ऐसे हैं जो कि 50 मिनट दूर से 10 किल कर देते हैं तो फिर ये हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। और जैसे ही ये मिशन कंप्लीट होगा वैसे हमारे गेम के जितने भी वेंडिंग मशीन है वो डिस्काउंटेड वेंडिंग मशीनें बन जाएंगे, फिर आपको वेंडिंग मशीन के अंदर रिवॉर्ड कुछ इस टाइप के देखने मिलेंगे। हर बार ऐसे मिशन देखने मिलता है और हर मिशन में रिवॉर्ड अलग अलग होता है। तो समझे मेरे दोस्तों कि एक्चुअली ये फंडा क्या है। अगर आपको आज के वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, मेरी मेहनत के लिए आप वीडियो को लाइक तो कर ही सकते हो, और अब हमारे चैनल पर नए हो तो जी डब्ल्यू चैनल को सब्सक्राइब
सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों को एज ऑलवेज फ्री फायर रिलेटेड ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ चैनल पे मिलते रहेगी। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय गाइस, पीस आउट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।